अगली खबर आजमगढ़ से है। रानी के सराय ब्लॉक परिसर में ही भाजपा नेता ने आरओ को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते ब्लॉक के कर्मचारी मुकदमा दर्ज कराने पर अड़े रहे। हुआ यह है कि सपा नेता इसरार अहमद ने बीडीसी पद के लिए रानी की सराय ब्लॉक के लक्ष्मी रामपुर से नामांकन किए हैं। लक्ष्मी रामपुर से ही नामांकन किए प्रत्याशी विपिन सिंह शनिवार की देर शाम रानी की सराय ब्लॉक पर पहुंचकर इसरार अहमद के सम्मिलित दस्तावेज में किसी बात को छुपाए जाने की बात कहकर नामांकन रद्द करने के लिए दबाव बनाकर गाली गलोच करने लगे। पर्चा नहीं निरस्त करने की दशा में जान से मारने की धमकी भी देने लगे। नेताजी की यह दबंगई देख सारे अधिकारी कर्मचारी मीटिंग हॉल में चले गए और मुकदमा दर्ज कराने पर अट गए। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने नेताजी को पकड़कर बैठा लिया। कुछ देर बाद नेताजी सहयोगियों ने आकर पुलिस से धक्का मुक्की कर छुड़ा ले गए। रात करीब 8 बजे रानी की सराय ब्लॉक पर पहुंचे एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने कहा कि हम यहां आ गए हैं और उसे तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करवाएंगे। वहीं इसरार अहमद ने कहा कि ये जनता का रुझान देख चुनाव लड़ने से घबराकर चुनाव अधिकारी को ही निशाना बनाने लगे। भाजपा नेता के इस व्यवहार से ब्लॉक के अधिकारियों में काफी आक्रोश है, एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े हैं। जनसेतु के लिए आजमगढ़ से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, वो समय के बाद आए वो, तो जो आपत्ति लगा रहे हैं उनसे कोई ये तो छूट उठ गए हैं, कोई इससे मतलब है नहीं है। तो जो मरी हो गए तो इसका थोड़ा ना मतलब है। आप जबरदस्ती ये फैसला जो डीएम साहब लेंगे, एसडीएम लेंगे, ये जबरदस्ती चाहते हैं कि नहीं, ये खाली ये तो कभी नहीं हुआ इस तरह का। तो यहाँ पे मौजूद अधिकारियों से आपकी बात हुई है? मैंने एसडीएम साहब से कहा है कि जो इन्होंने गलत काम किया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह के माहौल में अगर कर्मचारियों अधिकारियों के साथ होगा तो काम कैसे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्मचारी कैसे काम करेंगे, ये लोग होते कौन है? कहते हैं कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे हर जगह, अब गुंडा ये खुद कर रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी का क्या? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ये यहाँ पे जो शाम को घटना घटी है संबंध में तहरीर आरओ द्वारा दी जा रही है, उस पर मुकदमा अभियोग पर पंजीकृत किया है, कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, उसमें जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।